अब हो गया ना जाने। हाँ चलो, अभी चालू हो गया। हाँ। अभी इधर ना, अरे नहीं ऐसे बना ना, अरे ये मेन कैमरे से बना। ये है ऑटोमेटिक भाई साहब, ये इस पे रखो। स्टार्ट ब्रेक पे पैर रखो और इस पे स्टार्ट कर दो इसको, मगर मैं करूँगा नहीं। चलो चलो, फोन यहीं रह जाता है। पर्स में देख तो ले बेटा, शायद हो। बात होगी ना, ले ये गाड़ी पीछे करो, गाड़ी निकालनी वाली जगह बढ़िया भी ले लें। तो भी तो वहां कर गाड़ी निकालू तो यही तो है, यही तो निकालने। ये कलर का था, अच्छा कलर मटेरियल है, ब्राउन कलर। ये गाड़ी पीछे लेना, मैं गाड़ी निकाल ली लाइट के पास। लाइट के पास आप बैठो, मैं 2 मिनट लगे गाड़ी बाहर निकालने। हाँ गाड़ी बाहर निकाल ना। वाले पे बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आने वाले टाइम में क्या वजह है? प्रोडक्शन बहुत स्लो है, बहुत कम आ रही है गाड़ियाँ। अच्छा, बुकिंग ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, यही है ना? हाँ जी आशीष जी। हाँ जी आशीष जी, सॉरी 16.5 लाख तो मैं 16.5 लाख ही तो है आपकी गाड़ी का रेट। मैं क्या, गाड़ी का रेट 16.5 लाख ही तो है आपकी गाड़ी का, 16 पैकेट की गाड़ी है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे सर कैसी, आप समझो बात को, इस टाइम पर डिस्काउंट नहीं है गुरु जी। जब गाड़ी लोगे तब अगर आ जाएगा तो दूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं है, आज के लिए नहीं है। आगे स्कीम अगर होंडा लॉन्च कर देगा डेफिनेटली आपको मिलेगी आशीष जी। अरे भैया देखो, पता है क्या, जब तक विश्वास किसी पे करना सीखोगे नहीं ना, तब तक कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो बातें चलती रहेंगी। कल को मान लो स्कीम आ गई तो मना थोड़ी करूंगा देने के लिए, मेरे कौन से घर से जानी मेरे भैया। मैं आ जाओ शोरूम पे बैठ के बात करते, शोरूम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये लेना है, मैं जाऊं रेट पास लेना, मैं भगा जाऊं गाड़ी भाई। जनता कंप्लेंट करो गौरव कल्ला गाड़ी लेगा बिना रेट पास। सही बात है, क्या करें भैया, नौकरी है ये, तुमको 1 मिनट लगेगा। मैं तो टाई यहाँ रख दे, घर चला जाए। शुभ नाम आपका? सौरभ। गौरव। गौरव गौरव, अच्छा नाम है भैया। 16.5 लाख की चीज हाथ में पकड़ी हुई है, मजाक थोड़ी है। मैं सही कह रहा हूँ सर? इस टाइम में ना कोविड के चक्कर में कोई गलती हुई नहीं और आप गए नहीं, ये वो हाल हो रखा है सब जगह। यू फेगा खोल के दिखाना। लो जी बटन, लो जी इसमें वो भी है, ग्लास भी है। हाँ ये ग्लास। हाँ ये हमारे अजय भाई आ गए टेस्ट ड्राइव पे, इन्होंने लगा दिया ऑटोमेटिक चलाई हुई है। इनके पास है ऑटोमेटिक होंडा सिटी, क्लच दबा दीजिए, न्यू मॉडल ये है क्लच, 2002 क्लच सही नहीं,
इसलिए मैंने आपको बोला था जान के इस पैर को अपने क्लच जैसे दबा देते हो ना वैसे रखना है। ठीक है, ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाइए, ब्रेक नहीं छोड़नी है आपने। ओके, लीवर उठा के ड्राइव मोड पे गाड़ी लेके आइए। ठीक है, अभी नहीं सर, रेस का बटन देखिए, रेस कहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, आप ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी मोशन में आ जाएगी। ठीक, रेस और ब्रेक का ध्यान देना है, आपके दोनों हाथ स्टेरिंग पे रहेंगे, लेफ्ट लेग को आप नहीं हार्ड यूज करोगे। प्लीज स्टार्ट सर, वो बिल्कुल लिमिट में चलाएंगे, थोड़ा फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे, फिर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे गियर स्पीड को। ये वाले भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, लुक वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। सीट बेल्ट बांध ले भाई, ताऊ खड़े होंगे आगे। ग्राउंड क्लीयरेंस क्या कितना है जी? 172। अच्छा, वरना का कम है, वरना का कम है सर। ऐसे कितना है स्पीड ऑटोमेटिक है ये? 7 स्पीड। कुछ है मीटर आप देखिए, इसके अंदर चेंज करना है। ओके, पंप पे जाना है, टैकोमीटर यूज करना है, उसके बाद एक चीज और दिखाते हैं इसके। ये देखो गाड़ी में कहाँ कितना फोर्स है ये आपको बताएगा ब्रेक के टाइम पे। ओके, चलतेगा आराम से देख के निकालेगा। ये आपको मिलेगा VS और ZX दोनों के अंदर। अच्छा, VS में भी सेम जो हम वो बात करेंगे जो VX में मिलेगा, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। गाड़ी घुमाई, स्टीयरिंग घुमाया और मैं ओवर स्टीयरिंग काट दिया तो इसको भी कंट्रोल करता है, ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है, वो भी फंक्शन इसके अंदर आता है। एक बस नॉर्मल वो रहता है कि आप क्या कर रहे हो, जब आप ज्यादा हाईवे पे जाओगे, जब रफ एंड टफ चलाओगे, फिर आप देखना इसका कितना यूज आता है। अच्छा, कि आपकी फोर्स कहाँ पे कितनी ज्यादा लग रही है। अच्छा, अभी तो आप पॉइंट ठीक चला रहे हो, आप ब्रेक लगाओगे आपके आगे फोर्स ज्यादा हो गई। अच्छा, ब्रेक लगाओगे पीछे फोर्स ज्यादा हो गई। हाँ जी, ये चीज तो ये पॉइंटर है, मतलब उतना स्टेबल चलेगी, ये पॉइंट लेफ्ट हो जाता है तो स्टेबल नहीं है, वो अपने आप कंट्रोल करता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए साथ में दिया। स्ट्रेट लेंगे होंडा ने पहली बार निकाली ये चीज, और गाड़ियों में भी इसी में निकाली है, बड़ी गाड़ियों में भी ना भाई, बड़ी गाड़ी तो। और टिल्टर टेलीस्कोपिक ये दोनों ही हैं, वो स्टैंडर्ड पार्ट है, वो स्टैंडर्ड है। ओके, सबसे बड़ा फंक्शन आता है अपने मोबाइल से गाड़ी ऑन ऑफ करना, गाड़ी चेक करना किस लोकेशन पे है, वॉइस कमांड के थ्रू गाड़ी स्टार्ट करना, एलेक्सा सब कुछ है, अरे एलेक्सा भी है, होंडा कनेक्ट भी है। आप इंडिया में कहीं बैठे हो, कहीं बैठे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लो, चेक कर लो, ये भाई साहब गाड़ी आपकी कहाँ लेके गए, किस रूट से गए, किस स्पीड से गए। अच्छा अच्छा, सब कुछ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चलता रहेगा साथ साथ। ये सब स्टैंडर्ड पार्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड व्हाट इज दिस इकॉन? ये इकॉन ऑटोमेटिक का फंक्शन, इकोनॉमिकल मोड पे गाड़ी चलाना। अच्छा, वो चीज है। इसमें क्या हो जाता है गाड़ी में कुछ? ओवर एक्सीलरेशन और जो एसी को ओवर फ्यूलिंग मिलता है वो कंट्रोल करता है। हाँ, आगे से गोल चक्कर से राउंड अबाउट। इस लॉकडाउन ने ना ठेके पे लाइन लगवानी शुरू कर दी है, बचाए इन्होंने, यानी कि बिल्कुल जब स्टैंड स्टिल हो जाती सर, है राइट में से देख के स्टैंड स्टिल हो जाती है ऑटोमेटिक में, जैसे हमने ब्रेक दबा दी। हाँ जी, रेड लाइट पे गए तो उस कंडीशन में क्या हमें ब्रेक पे पैर रख के रखना है? देखो अगर ब्रेक पे पैर रख के रखोगे ना तो दो चीजें होंगी, एक तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, बढ़ेगा टुकटुक गाड़ी के अंदर फोर्स है, आप उसको भागने नहीं दे रहे, वो भागना चाह रही है, गाड़ी का वेयर एंड टियर होगा,
ब्रेक ज्यादा यूज होंगी। बेस्ट पार्ट क्या है, न्यूटन पे कर दो, हैंड ब्रेक खींच के आराम से सो जाओ। न्यूटन पे करके तो ना फोर्स रहेगी और जितना फ्यूल एसी को चाहिए होगा वो यूज होगा, बस ओवर फ्यूलिंग यूज नहीं होगा, गाड़ी भागने वाले काम नहीं होगा। ऑटोमेटिक हमने चलाई नहीं ना, तो ये छोटे छोटे पार्ट जो है ना सर, हम मैनुअल में भी तो यही करते हैं, न्यूट्रल पे करते हैं और हैंड ब्रेक खींच के बैठ जाते हैं आराम से। ऑटोमेटिक में भी यही करना है, अगर हम ब्रेक पहिया दबा के रखेंगे, भैया गाड़ी तो फोर्स मांग रही है, तुमने रोका हुआ है, हमने रोका, तो वेयर एंड टियर भी होगा और वो फ्यूलिंग भी रहेगा, ये चीज का फर्क पड़ता है सर। जितनी रेस जोर से दबाओगे उतना गाड़ी का छोटा गियर मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का पावर मांगी है आपने गाड़ी से, और जितना आप स्मूथली उठाओगे उतने गाड़ी के गियर बढ़ते जाएंगे, हाई गियर पे आएगी और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होती जाएगी। अब मान लो जोर से पंजा दबाओगे ना बहुत जोर से, तो गाड़ी अगर एकदम भागेगी तो होगा छोटा गियर मिलेगा, पावर चाहिए अपने को एकदम से। बड़े गियर में जब भगाओगे, जब आपकी स्पीड चली जाए ना 70-80 पे, तो आपका बड़ा गियर भी होगा पावर भी होगी, 40 पे तो आपको छोटा गियर और पावर चाहिए ना सर, ऐसा तो है कि 40 में आपको सातवां गियर दे दूं और पावर दे दूं, वो चीज नहीं होती ना सर, ये चीज फर्क है। इस तरह के पूरा स्पीड है, रेंज एंड फ्यूल का दिखाना एक बार जरा, वो हमने सेट किया नहीं हुआ, हम उसमें भी सेट करना पड़ेगा। ओके ये बीच में एक लाइन से चल रही है, गाड़ी की एवरेज क्या आप लेना चाहते हो? अच्छा बढ़ भी जाएगी, कम भी हो जाएगी, स्टॉपिंग रहेगी, होल कम हो जाएगी, ये चलती रहेगी, ये चलता रहेगा, ये आपके हाथ में कंट्रोल भी रहेगा कि मुझे एवरेज भी चाहिए या मुझे खाली पावर चाहिए, बस वो चीज भी साथ में रहेगी। हाँ जी आशीष जी, एवरेज पावर का कंबिनेशन आ गया, बाहर गेट के अंदर आ रहा, अंदर आ रहा, अंदर आ रहा, एवरेज पावर का कॉम्बिनेशन लेके चलती है। ऑन एन एवरेज की क्या एवरेज आती है? जो कमिंग लिमिट सर 17-18 की है, 17-18 14-15 मान सकते हैं, क्योंकि अभी आई है कस्टमर रिव्यू तो नहीं आ रहे होंगे इतने सर, होंडा में ना एवरेज की दिक्कत नहीं आती, दिक्कत नहीं आती है, आगे से यूटर्न बाकी तो आराम आराम चला रहे दिल्ली के अंदर, गलती अपनी होती है ये कम है तो बाइक वाले तो बाहर जाता है माल के। इसमें तो कुछ ऐसा भी मैंने सुना था कि इसके लेफ्ट में कोई कैमरा है? बिल्कुल है सर, आपके यहाँ पे एक नॉब है जिसमें हम लाइट खोलते हैं, एक बटन है, बटन प्रेस कर दो कैमरा चलता रहेगा साथ में। ओके साइड में कौन है? हाँ, जैसे टर्न करोगे लेफ्ट का तो भी ऑन हो जाएगा यहाँ से। यूटर्न लेफ्ट पैर हल्का सा उठ गया था, इसीलिए आपको पहले क्लच दबाओ, क्योंकि देखो जो पर्सन होता है ना उसको आइडिया होता है, अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे होते हैं ना, वैसे आपको एक बार कहना होता है सर थोड़ा सा देख के बस, क्योंकि आपकी गाड़ी को उठाने का उसी तरह हमें पता चल जाता है कि आपका गाड़ी कैसा रहता है सर, ये पता चलता है। जब हम बंद करके घर जाएंगे तो हमें पार्किंग पे रखना है, बीच में नहीं रुकेंगे, न्यूट्रल में रखना है। हम हटा लूंगा, आप पैर हटा लीजिए, गाड़ी बंद कीजिए और अंदर आइए प्लीज, आइए। भाई फोन उठा लिया भाई दोनों, एक तो मैं लगा हुआ है। अरे फोन उठा ले मेरे मेरे भाई ने। Oh.
हसन ये ले भाई।